जय श्री राम मित्रों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे चैनल जेबी डिवोशनल। और बहुत खेद है कि हम वीडियो नहीं ला पा रहे रेगुलरली। वोट दे के आए ना ऐसा कुछ है नहीं, वोट देने के लिए इतना समय नहीं। लेकिन कुछ नहीं, मैं भी वही बोल रहा हूं, कुछ नहीं, नो मोर एक्सप्लेनेशन। ठीक, तो बात करते हैं एपिसोड। पिछले एपिसोड में हमने जो देखा है कि जिस प्रकार से मिथिला राज्य में एक ओर खुशियों का माहौल है तो दूसरी ओर कहीं ना कहीं परेशानियां भी बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। जिस प्रकार से हमने देखा कि सडन तीन पुत्रियों का विवाह और तय हो जाने के कारण से जो मंडप तैयार करने की प्रक्रिया है वो नहीं हो पा रही है, और इसी से चिंतित है हमारे राजा जनक और स्वयं नारायण के सबसे परम भक्त नारद जी शंकर जी के पास जा करके ये बोलते हैं कि इनके जो मंडप का कार्य है वो किस प्रकार से संपन्न होगा। वो दिव्य होना चाहिए। किस प्रकार से संपन्न होगा? क्या साधारण तरीके से? नारायण का विवाह है, साधारण तो नहीं होना चाहिए। ब्रह्मा जी भी यही आग्रह करते हैं और महादेव आवाहन करते हैं हमारे भगवान विश्वकर्मा का, जिन्होंने स्वर्ग का निर्माण किया, जिन्होंने अनेक अस्त्र शस्त्र का निर्माण किया। सारे देव निर्माण जो है मतलब इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट उनके पास, तो जैसा कि पहले से पता है हम लोगों को सनी सीरियल देख करके, तो कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है उनको मंडप बनाने का। अब जब वो पहुंचते हैं तो पहले तो राजा जनक भाई चौंक जाते हैं, क्योंकि वो तीन ही लोग होते हैं और तीन लोग चार मंडप कैसे तैयार करेंगे जो असंभव है इतने कम लोगों के लिए भी। राजा जनक कहते हैं हमारे पास कोई विकल्प भी तो नहीं है, ऑप्शन ही नहीं। और उस समय तो वचन की मान्यता थी, तो जिस प्रकार से उन्होंने कहा हम वचन देते हैं। देखते हैं कि किस प्रकार की भव्य तैयारियां चल रही हैं मिथिला में, तो बिना विलंब के शुरू करते हैं एपिसोड 75 पार्ट 1। मैं तो केवल इतना जानती हूं कि आपकी कन्या के जीवन में वनवास लिखा है। वनवास, और वो भी सीता के भाग्य में। कल मेरी पुत्री का विवाह है और आज आप ऐसी बातें कर रही हैं। ये मैं नहीं देवी, ग्रहों की स्थिति यही बता रही है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी पुत्री के भाग्य में ही ऐसा क्यों? और वो भी विवाह के पश्चात इतना बड़ा कष्ट। बचपन से इस राजमहल में पली बड़ी मेरी सीता वनवास में कैसे रह पाएगी? इतना बड़ा कष्ट नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। माँ, मैं ज्योतिष विद्या तो नहीं जानती, पर इतना अवश्य जानती हूँ, इन्होंने जो भी कहा वो मात्र एक संकेत है, यथार्थ नहीं। यदि घटित होना होगा तो होगा, और फिर इसके लिए अभी से चिंता क्यों करें? और फिर भवन हो चाहे वन, अब तो दशरथ कुमार प्रतिपल मेरे साथ है। भले विचारों में हो पर होंगे तो किसी भी परिस्थिति में सुख ढूंढ लेना, ये आपसे ही सीखा है मैंने। परिस्थिति जन्य कष्ट से सुख मिलेगा या दुख, ये तो व्यक्ति की मानसिक स्थिति पर ही निर्भर करता है। और यदि दशरथ कुमार मेरे साथ है तो फिर दुख कैसा? इतना विश्वास तो रखिए मुझ पे और अपनी शिक्षा पे। आपकी पुत्री का कथन सर्वथा उचित है। मैंने जो भी कहा वो मात्र एक संकेत, यदि परिस्थिति उत्पन्न हुई भी तो आपकी पुत्री
उसका सामना करने के लिए सक्षम है। तुम्हारी यही परिपक्वता मुझे आश्चर्यचकित करती है सीता। पुत्रियों को शिक्षित करने का तुम्हारे पिताजी का निर्णय उचित ही था। शिक्षा ने तुम्हें किसी भी परिस्थिति का सामना करने का आत्मविश्वास जो दिया है, इसका आभास मुझे आज हो रहा है। इतने सुंदर मंडप की कल्पना भी मेरे लिए असंभव थी। नारद जी, बन गया भाई, हमारा कार्य पूर्ण हुआ। अब हमें यहाँ से कैलाश पुनः लौटना चाहिए। जय श्री नारायण। दिखा तो दो यार। दिखाए, इंपॉर्टेंट है। सुंदर, अति सुंदर, असंभव। एक रात्रि में ऐसा अद्भुत कार्य कोई साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता है भैया। आओ उनसे भेंट करके उनका आभार व्यक्त करें, उन्हें इस कार्य के लिए पारितोषिक दें। अरे सुनो, यहाँ पर जो तीन व्यक्ति मंडप का निर्माण कर रहे थे वो कहाँ हैं? प्रणाम राजन, मैं जब यहाँ पर पहुंचा तो वे तीनों यहाँ पर नहीं थे। ऐसा प्रतीत होता है मानो वो अपना कार्य समाप्त करके यहाँ से प्रस्थान कर गए। इस चमत्कार को देखकर तो मैं भी चकित रह गया। हम कैलाश से आए थे, हमें ज्ञात हुआ कि जनक पुत्री सीता का विवाह दशरथ नंदन राम से हो रहा है, तो सेवा करने आतुर हो उठे। पारितोषिक भी नहीं लिया, ऐसी निस्वार्थ सेवा। कहा था ना उन्होंने कि वे कैलाश से आए थे, उनकी सेवा को भगवान शिव की कृपा समझकर, उनका आशीर्वाद समझकर स्वीकार करते हैं। ब्रह्मदेव, देव शिल्पी विश्वकर्मा, आपने इतना अद्भुत मंडप तैयार किया है कि श्री राम और देवी सीता अवश्य प्रसन्न होंगे, और मैं सभी देवताओं की ओर से आभार व्यक्त करता हूं। और अब विवाह में सम्मिलित होने का समय आ गया है। बस प्रभु, आपकी अनुमति की प्रतीक्षा थी। परंतु हम सभी अपने वास्तविक रूप में सम्मिलित नहीं हो सकते। अर्थात किसी को भी ये ज्ञात नहीं होना चाहिए कि हम कौन हैं। हमारी उपस्थिति से उनके विवाह में किसी भी प्रकार का विघ्न उत्पन्न नहीं होना चाहिए, इसलिए हम ऐसे रूप धारण करेंगे जिसमें कोई हमें पहचान ना पाए।
सृष्टि के सबसे भव्य विवाह के लिए प्रस्थान करें। नारायण नारायण। राजकुमार, ब्राह्मण देव मुकुट धारण एवं कंगन विधि हेतु पधारने की अनुमति चाहते हैं। अवश्य। हमारे विवाहों में सर्वप्रथम जब विवाह का प्रक्रिया शुरू होता है तो उसमें हम लोग देवताओं का आह्वान करते हैं कि हे देव, इस विवाह को स्वीकृति देते हुए अपना आशीर्वाद प्रदान करने की वर वधु को कृपा करें। जैसा कि दिखाया गया है कि भगवान आते हैं, जरूरी नहीं है कि वो साक्षात रूप में, वो किसी भी रूप में आएंगे, क्योंकि भगवान तो कण कण में है। और जब कण कण में है तो वो किस तरीके से, किस कण से बाहर आएंगे ये हमें ज्ञात नहीं हो। गाना भी तो आया था, ना जाने किस रूप में आकर नारायण मिल जाएंगे। तो इसी प्रकार से, जिस प्रकार से अभी महादेव रूप लेके आए हैं, महादेव रूप लेके नारायण से मिल रहे हैं। फिलहाल बड़ा अद्भुत लग रहा है ये विश्वकर्मा जी वाला जो प्रकरण था, वो बहुत जल्दी जल्दी निपट मुझे लग भी रहा था, वो वहीं से मतलब द्रव्य बढ़ा के लाए थे। कम वो क्या कहता है उसको, सनी सीरीज में भी था उनके पास लिक्विड वाला डुप्लीकेट वाला जिप फाइल। हाँ, फाइल खोली उन्होंने जिप कर दिया। वो होता नहीं जादू का पिटारा। चल रही है, चलिए फिलहाल जिस तरीके से ये विवाह का प्रकरण आगे बढ़ रहा है, हमें भी आगे बढ़ना चाहिए। शीघ्र ही मिलेंगे आपको नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।